छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ऑप्शन नंबर सी दोनों में, चरणों में और यतिन। निम्नलिखित में से सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी चौपाई। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन नंबर सी सोरठा। अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। ऑप्शन नंबर बी दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया। घना क्षारी छंद है। ऑप्शन नंबर दो वार्णिक। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ऑप्शन नंबर बी मात्रिक। किस छंद में छह चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 56। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी यदि कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पिंगल। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर डी सोरठा। अवध का निजी छंद है। ऑप्शन नंबर ए बरावी।